मेरे YouTube चैनल जिंगार्लिक में आपका स्वागत बंधन अभिनंदन। मैं आपका दोस्त सूर्यांश। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक पौधे के बारे में, जिसका नाम है लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल। दोस्तों, ये ग्रीन कलर का पौधा जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है लक्ष्मी कमल और ये है विष्णु कमल। ये लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल हमेशा जोड़े में ही लगाना चाहिए, इसके जोड़े में ही लगाने के लाभ होते हैं। इस पौधे के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये पौधे जो हैं घर में लगाने से इनसे सुख समृद्धि और शांति आती है, घर में आमदनी बढ़ती है और पैसा भी बढ़ता है। क्योंकि इस पौधे का कनेक्शन सीधा लक्ष्मी जी के साथ है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि धन समृद्धि और वृद्धि के लिए ये लक्ष्मी जी का पौधा घर में होना बहुत ही आवश्यक है। इस पौधे से घर के वास्तु दोष भी दूर होते हैं, ऑफिस और घर दोनों के वास्तु दोष से दूर होते हैं। इस पौधे को घर में आप भगवान जी के मंदिर के पास दोनों तरफ एक एक पौधे को रख सकते हैं। इस तरीके से एक साइड लक्ष्मी को, एक साइड विष्णु जी को रख सकते हैं। ये पौधा मैंने 4 माह पूर्व मंगाया था। इसके पहले मैंने जो पौधा आपको दिखाया, आपने देखा वो छोटा था, ये 4 महीने में इतना बड़ा हो गया। इसमें देखिए आप बहुत सारे कमल के पौधे निकल रहे हैं, ये देखिए ये निकल रहे हैं, ये निकल रहे हैं, अंदर भी 2-3 उसमें हैं, ये भी है, ये है, इधर भी है दोस्तों। और ये इसके अंदर फूल भी निकल रहे हैं, ये देखिए फूल निकल रहे हैं इसके अंदर। और ऐसा ही ये विष्णु कमल के पौधे के साथ भी है। इसमें भी आप देखेंगे चारों तरफ इस तरीके से ऊपर नीचे चारों तरफ से फूल निकलते रहते हैं। इसके अंदर भी देख रहे हैं ना, ये अंदर की साइड से भी देखिए फूल निकल रहे हैं, ये भी देखिए इस साथ में निकलते हैं, तो निकलते ही रहते हैं। ये जितना बड़ा होगा, जितने इसके अंदर से फूल निकलेंगे, समझिए पैसा उतना ही आपके पास बढ़ता जाएगा। इस पौधे के बारे में दोस्तों मैंने बहुत सारे विद्वानों और ज्योतिषियों से संपर्क किया, उन्होंने बताया कि हम वर्ष में एक बार लक्ष्मी जी की पूजा करके भूल जाते हैं, एक बार उनको लक्ष्मी जी कमल का फूल स्पर्श करते हैं दिवाली के दिन और फूल भूल जाते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। लक्ष्मी जी की पूजा हमें साल भर करनी चाहिए, हो सके तो दिन में एक बार, कम से कम सुबह जब भी हम अगरबत्ती लगाते हैं वो माँ लक्ष्मी नमः का जाप जरूर करना चाहिए, एक बार ही मंत्र बोलना चाहिए, इससे बहुत लाभ होता है दोस्तों। इसके अनगिनत फायदे इस पौधे के हैं, लेकिन अगर मैं पूरा बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप कुछ भी, आपकी जानकारी कुछ और चाहते हैं तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में दें, मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा और आपको जो भी क्वेश्चन होंगे आप वहां पूछ सकते हैं। अब एक जिज्ञासा ज़रूर आपके अंदर होगी, ये पौधे कहाँ मिलते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, मैंने ये पौधे ऑनलाइन मंगवाए हैं एक वेबसाइट से, क्योंकि मैंने नर्सरी में बहुत सारी जगह चेक किया, वहाँ इससे मिलते जुलते पौधे तो मिल रहे थे पर असली लक्ष्मी कमल कहीं नहीं मिल रहा था। पर ये वेबसाइट को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, लक्ष्मी कमल डॉट इन। दोस्तों ये .com नहीं है, .in है, लक्ष्मी कमल डॉट इन से मैंने इसे मंगाया था। और उन्होंने इस पौधे को मुझे 4 महीने पहले 900 रुपये में भेजा था, उसके बाद ये पौधा इतना अच्छा है, इतना बढ़िया लगा कि मुझे अपने दोबारा, मैंने कल एक 2 दिन पहले ही एक ऑर्डर किया था अपने सिस्टर इन लॉ को उसकी मैरिज एनिवर्सरी पर गिफ्ट करने के लिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि लक्ष्मी जी को जितना खर्च करोगे, जितना लोगों को बांटोगे, उतनी लक्ष्मी बढ़ती है, तो लक्ष्मी जी के पौधों को अपने दोस्तों रिश्तेदारों को गिफ्ट में देने से भी धन लाभ होता है, ये शास्त्रों में भी कहा गया है, मैं नहीं कहता। तो ये जब अभी मंगाया है मैंने, पहले भी मैं बताया था कि जब मंगाते हैं तो उसमें थोड़ा छोटा पौधा आता है, बाद में 3-4 महीने में इतना बड़ा हो जाता है, तो इस तरीके से गिफ्ट करने के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, कुछ और भी आपको पूछना हो तो आपको कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दें, या आप जो पूछ सकते हैं मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और अगर चाहते हैं दोस्तों रिश्तेदारों को फ़ायदा हो तो शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।